सरकार के खिलाफ किसानों का विरोध थमन का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार वालों कृषि कानून वापस लेने तो बाद भी किसानों का गुस्सा घट होने का नाम नहीं ले रहा। पठानकोट अमृतसर टोल रोड से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने केंद्र के नाल नाल राज सरकार से फिर तो हमला बोल दिया, मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रोटेस्ट आज जो है पंजाब से जम्मू कश्मीर को जो बड़ा हाईवे जा रहा टोल प्लाजा कट्ठू नंगल, वहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है उनका मोदी सरकार का अर्थी जला रहे हैं, आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये एक तो वर्ल्ड बैंक का इसलिए भी जो पंजाब के जमीन के नीचे का पानी है वो वर्ल्ड बैंक की नीति जो पंजाब और देश में लागू की गई थी उसके ऊपर जो पानी नीचे गया है, और जितने भी वर्ल्ड बैंक ने पूरे पंजाब में प्रोजेक्ट लगाए हैं उनको रद्द करने की मांग है। भगवंत मान सरकार विधानसभा में मता ला के वो पानी के प्रोजेक्ट रद्द करें, और 21 से लेके 25 जुलाई तक हम पूरे पंजाब में दो यूनियंस पानी के मुद्दे को मसले को हल कराने के लिए मोर्चा लगा रहे हैं। अमृतसर में हम जो वल्ला गाँव है जहाँ 42 एकड़ जमीन रिक्वायर की गई थी, वहाँ वर्ल्ड बैंक जो पानी साफ करके शहर को देने की जो बात कर रहा है उस प्रोजेक्ट के ऊपर धरना मुजारा किया जाएगा। दूसरी बात, जो केंद्र सरकार ने रात कमेटी बनाई है जिसका जो हमें जो मालूम चला है कि वो कमेटी एमएसपी को मजबूत करने के लिए है, और उसमें जो नाम जैसे संजय अग्रवाल जी हैं, रमेश चंद जी हैं, संजय अग्रवाल जी वो व्यक्ति हैं जो कृषि कानूनों को सही ठहराते रहे हैं, और रमेश चंद जी जो नीति आयोग के वो मेंबर है जो कृषि कानूनों को सही ठहराते रहे, उनका कहना है कि कुछ सालों तक किसानों को एमएसपी दी जानी चाहिए। जो ये कमेटी बनी है ये किसानों के साथ धोखा करने वाली बात है। इसके एजेंडे में एमएसपी गारंटी कानून बनाना इसके एजेंडे में नहीं है, और हमारा मानना रहा है कि वो कोई भी किसान लीडर इस कमेटी का मेंबर नहीं बनना चाहिए, अथवा नहीं तो ये देश और पूरे पंजाब के किसानों मजदूरों के साथ धोखा होगा, और कमेटी जो मोदी सरकार ने बनाई है वो किसानों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। मुर्दाबाद, नहीं दिया गया। नहीं दिया गया।